छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, दो वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित, नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद अ न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नौ निर्माण, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। राजधानी रेड जोन में पूरे प्रदेश में कारोबार खुल गए हैं। रायपुर लॉक रहेगा, मतलब आधा बिजनेस ढप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से दूरभाष पर चर्चा की और रायपुर को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया। रायपुर एम्स में खुद की 2.5 साल की बेटी से दूर रहकर कटघोरा कोरोना पॉजिटिव मरीज की बेटी को संभाला, महीने भर बाद अपने घर पहुंची नर्स। रायपुर में 40 दिन बाद मंत्रालय पहुंचे तो मिला फाइलों का ढेर, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसी बंद, अफसर कर्मचारी के छूटे पसीने। शराब ने बिगाड़ी व्यवस्था, रायपुर में पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर बरसाई लाठी, ऑनलाइन बुकिंग के लिए सरकार ने जारी किया लिंक। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार, ज्यादातर जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, 20 से 30 रुपए बढ़े शराब के दाम। मजदूरों को लेने झारखंड से आई बस, नाम दिया सम्मान रथ, रायपुर से लोगों का लौटना शुरू। प्रधानमंत्री के एक और पत्र, लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे पुलिस, निकाय, जिला प्रशासन अधिकारी, कर्मचारियों के माना जाए स्वास्थ्य कर्मी, उन्हें भी मिले बीमा का लाभ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3,000 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्य होंगे शुरू, मंत्री ताम्रध्वज साहू ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। अंबिकापुर में महिलाओं ने मास्क बनाकर 26 लाख रुपए कमाए, आईएएस अफसरों की कोशिश ने बदली जिंदगी। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने शहरी मार्ग के पुल को तोड़ा, इसी रास्ते से गांव को पहुंच रहे थे स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जसपुर में लॉकडाउन के कारण बदला पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज, अब व्हाट्सएप ग्रुप में लगती है पढ़ने लिखने की क्लास। लॉकडाउन में दो चोरों ने सन्नाटा का फायदा उठाया, रायपुर के मोबाइल शॉप में 3 लाख के मोबाइल लेकर हुए फरार। बलौदा बाजार में सरकारी जमीन पर लगे 52 पेड़ों को काटा, पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गरियाबंद के उपजेल में संदिग्ध हालत में कैदी की मौत, पत्नी से मारपीट के आरोप में बंद था युवक। अब रायगढ़ में भी होगी कोरोना संक्रमितों की जांच, स्वास्थ्य मंत्री का इशारा, जल्द ही मिलेगा और 2 लैब की सुविधा। रायगढ़ कलेक्टर ने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ के सीमा में घुसने वालों पर होगी एफआईआर।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचा 23 हाथियों का दल, एक दंतेल हाथी ने खेत में काम कर रहे महिलाओं को सूंड से पटका। सड़क पर बाइक फिसलने की वजह से रायपुर में 8 साल की बच्ची के साथ माता पिता की हुई मौत। कोरबा में युवक ने प्रेमिका को कुल्हाड़ी से मार डाला, फिर खुद भी फंदा लगाकर दे दी जान।